बाइडेन के आरोपों पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का डायरेक्ट जवाब। ब्रेक करें विद द विजुअल्स राहुल, विद द विजुअल्स। यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार, पुतिन ने कहा। यूक्रेन को एटम बम दिया जा रहा है, पुतिन ने कहा। रूस को एटम बम के खतरे के लिए तैयार रहना होगा, पुतिन ने कहा। पश्चिम ने यूक्रेन को रूस विरोधी बनाया। पुतिन ने यह बहुत बड़ी बात कही है। एक बार फिर से राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त, बड़ी खबर, जरा ध्यान से देखिए क्या है खबर। खबर देखिए आप यहां पर, रूस को एटम बम के खतरे के लिए तैयार रहना होगा, यह बड़ी खबर। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कहा पुतिन ने, बहुत बहुत छोटा सा दिखा दें आपको क्या कहा पुतिन ने, बड़ा क्विकली। создание новых позиционных районов противоракетной обороны в Европе и Азии зонтиком решили прикрыться от нас. Это развертывание военных контингентов, причем не только у границ. जो 10 बड़ी बातें हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, और इसी के साथ मैं अपने सभी मेहमानों को भी इसके बाद इंट्रोड्यूस करूंगा। सीधे आइए, पुतिन की जो 10 बड़ी बातें हैं सीधे देखिए। नंबर 1, प्ले ऑन करिए राहुल यहां पर, जो 10 बड़ी बातें हैं वॉल में। नंबर 1, यूक्रेन को एटम बम दिया जा रहा है, पुतिन ने यह कहा वीडियो वॉल के साथ। राहुल आप चाहें तो इस वीडियो वॉल के साथ हमारे सभी रिपोर्टर्स को, एनीवे योर कॉल। रूस को एटम बम के खतरे के लिए तैयार रहना होगा, यह बड़ी बात है। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन में जारी युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार है, यह उन्होंने कहा है। नेक्स्ट दिखाइए, मेरे कान में थोड़ा ऑडियो कम रखिए प्लीज, म्यूजिक का। पश्चिम ने यूक्रेन को रूस विरोधी बताया है, यह उन्होंने कहा है। रूस में नेटो का दखल बढ़ रहा है, यह उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने क्या कहा है, ज़ेलेंस्की को बात करने का मौका दिया जाए, यह उन्होंने कहा है। इसी के साथ ये देखिए, ज़ेलेंस्की ने हथियार उठाने के लिए मजबूर किया, ये उन्होंने कहा है। आपको स्क्रीन पर यहां पर देखिए कौन कौन दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर राजन, थैंक यू वेरी मच सर, आप वेकेशन पे मत जाया करिए, हम आपको बहुत मिस करते हैं। हमारे साथ हिमांशु हैं पोलैंड से, मनीष हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, सुरभि आपको दिखाई दे रही हैं, और जनरल के सिन्हा मेरे साथ मेरे स्टूडियो में, थैंक यू वेरी मच, सच एन ऑनर टू हैव यू। लेकिन राहुल, लेट्स कम बैक टू अवर फॉर्मेट। अब ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे पहला रिएक्शन, बट ऑफकोर्स इट्स गॉट टू बी मनीष झा। मनीष, क्या रिएक्शन है, हाउज द जोश इन रशिया? बिल्कुल निशान, देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि TV9 के दुनिया भर के दर्शकों का यूं ही हम पर भरोसा नहीं है। आज की तारीख में TV9 अकेला ऐसा चैनल है जो उस जगह मौजूद है जहां से पुतिन का ये संबोधन हुआ। तो उस ग्राउंड से जो मैंने देखा समझा है उसके मुताबिक तो अब बस यही है कि अब ये जंग अभी फिलहाल थमने वाली नहीं है, ये जंग जारी रहेगी। पुतिन ने अपने संबोधन में हर वो बात कही है, पुतिन ने न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की बात कही है, तो पुतिन ने यह भी कहा है कि अब रूस का पश्चिम से पूरी तरह से मोह भंग हो रहा है। तो कहा जाए तो आज के संबोधन के बाद रूस ने पश्चिम के लिए अपने दरवाजे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस पूरे खतरे को रूस ने अपने अस्तित्व के साथ जोड़ दिया है, और रूस ने अपने लोगों को बताने की कोशिश की है कि ये जंग दरअसल रूस अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, क्योंकि केवल सीमा पर खतरा नहीं है बल्कि रूस के कल्चर पर, रूस के इकोनॉमी पर, रूस के धर्म पर, हर पर खतरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन अपने आज के संबोधन में जो वर्ड वो कहते थे स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, उसकी जगह वो जंग और युद्ध जैसे शब्दों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो कुल मिलाकर यह है कि जिसकी आशंका थी रूस ने उस जंग को स्वीकार कर लिया है जो पश्चिम और उनके शब्दों में अमेरिका उस पर थोप रहा था, और इसीलिए अब लंबी लड़ाई के लिए रूस तैयार है। और रूस ने अपनी सुरक्षा चुनौतियों के साथ साथ आगे रूस क्या समाधान देखता है उसकी भी बातें कही है। और मुझे सबसे सुनकर जो गर्व महसूस हुआ कि इस पूरे संबोधन के दौरान रूस ने, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने की बात कही है। तो कहा जाए तो रूस ने जो आप मेरे साथ मनीष आप बने रहिए, मैं एक और फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।